हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तरीके के नाश्ते की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, प्रोटीन से भरा हुआ है और बनाना काफ़ी आसान और बहुत ही कम तेल में बनता है। ये नाश्ता बड़े हो या बच्चे सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आप इसे बनाना भी चाहेंगी तो इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो आज की रेसिपी फ्रेंड्स हम काले चने और पालक से बनाएंगे, जो हेल्दी भी होगा, प्रोटीन से भरा, आयरन से भरा और बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक कटोरी छिलके वाले चने, जिसको कि हमने भिगा लिया था, और पालक। तो सबसे पहले हम चने को मिक्सर जार में डाल करके पीसेंगे। तो इसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चने के साथ दो हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और साथ में तीन से चार लहसुन की कली। अब इसका हम एक दरबरा सा पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, हम बिना पानी का ही इसे पीसेंगे। तो देखिए इस तरीके से दरबरा सा हम पीस लेंगे चने को। तो मैंने इसे बिना पानी का ही पीसा है। तो काले चने का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और जो हमने पालक लिया था उसे एकदम बारीक काट लेंगे पालक को, और पालक को भी बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स पानी का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि पालक में भरपूर मात्रा में पानी होता है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा चटपटा बने। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक चौथाई हल्दी पाउडर, साथ में एक चौथाई कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी यूज किया है तो तीखा आप अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और साथ में डालेंगे यहाँ पे आधा चम्मच चाट मसाला, इससे हमारा जो नाश्ता है वो चटपटा भी बनता है और स्वादिष्ट भी लगता है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार आधा छोटा चम्मच, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स सब्जी मसाला। तो आप सब्जी मसाला की जगह गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा स्पाइसनेस के लिए। और इसके बाद थोड़ी सी अजवाइन हम डाल देते हैं, इसी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप अजवाइन की जगह जीरा भी डाल सकती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है, अब इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया भी पत्ती भी डाल दिया है, है तो डालें, नहीं है तो बिना धनिया पत्ती के ही इसे आप बना सकते हैं। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पालक भी डाला हुआ है और जब नमक डालेंगे तो पालक जो है वो पानी रिलीज करने लगता है, तो पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से ये एक डो फॉर्म में बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही स्पाइसी, चटपटा और हेल्दी सा जो है वो नाश्ता बन करके तैयार होगा हमारा, और इसे हम बहुत कम तेल में भी बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी बॉल्स लेंगे और इसकी छोटी छोटी जो है टिक्कियाँ बनाएंगे। तो आप चाहे तो अपने पसंद से इसे लंबा शेप भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे टिक्की का शेप दे रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें सारी टिक्कियाँ बना के तैयार करनी है। तो थोड़ा पतला ही इसे रखेंगे ताकि इसमें क्रंचीनेस आए, तो जितना पतला रखेंगे उतना क्रंचीनेस आएगा, क्योंकि हम इसे बिना फ्राई किए हुए बनाने वाले हैं। तो टिक्कियाँ बन करके तैयार है और यहाँ पे हमने फ्राई पैन में भी तेल डाल के गर्म कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है फ्रेंड्स, एक से दो चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे तेल रखा हुआ है और तेल को जो है वो अच्छे से गर्म होने दिया है। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड तेल का यूज किया है, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम एक एक टिक्की जो है
वो पैन में डालेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, गैस जो का फ्लेम जो है वो हाई नहीं रखना है, हम इसको लो रखेंगे ताकि जो टिक्की है वो अंदर तक अच्छे से सीके और एकदम क्रंची सा हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो। तो सारी टिक्कियाँ हमने यहाँ पे पैन में रख दी है। अब इसे हम धीरे धीरे धीमे आंच पे सिकने देंगे। तो 4 से 5 मिनट बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो ये ऊपर का लेयर है वो भी एकदम ड्राई होने लगता है। तो जितने धीमे आंच पे हम इन्हें सेकेंगे हमारा नाश्ता उतना ही कुरकुरा और टेस्टी बनेगा। तो देखिए ऊपर का ये सूख गया है, अब हम इन्हें दूसरी साइड पलट लेंगे। बहुत ही इजीली ये निकल भी जाते हैं कम तेल में, हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा लगता है ये नाश्ता। तो एक एक टिक्की को पलट करके हम दूसरी साइड भी इसे अच्छा सा कलर आने तक सेकेंगे। आप एक बार ये कबाब जो है वो जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है और बनाना काफ़ी आसान होता है, बहुत ही जल्दी बनके भी तैयार होता है, ऑयली भी नहीं होता। बड़े हो या बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आएगा ये नाश्ता। तो देखिए दोनों तरफ से जो कबाब है वो अच्छे से सीख गया है, एकदम क्रंची कम तेल में। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म हमारे चने और पालक का नाश्ता बन करके तैयार है, जो काफ़ी कम तेल में बना है और काफ़ी क्रंची और स्पाइसी भी होता है। तो एक बार आप ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा, बड़े हो या बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आएंगे और हेल्दी भी है। तो अब हम दूसरा नाश्ता बनाते हैं, चलिए इसे हम बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 2 ग्लास। तो ग्लास को हम हल्के से तेल लगा करके ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम इसमें बैटर डालें तो चिपके नहीं। तो ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के से तेल लगा करके चारों तरफ से इसे फैला लेना है इस तरीके से। और इसके बाद हम इसमें बैटर को डालेंगे जो हमने तैयार किया हुआ है, और अच्छे से इसे हिलाते हुए सेट कर लेंगे ताकि जो बैटर है वो नीचे अच्छे तक बैठ जाए। तो ग्लास को पूरा नहीं भर रहे हैं हम यहाँ पे फ्रेंड्स, आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें खाने का सोडा भी मिला सकते हैं, मैंने यहाँ पे बिना सोडा के ही बनाया है। तो अच्छे से दोनों ग्लास को सेट कर लिया है। तो इसे अब हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले ही पानी रख दिया था। अब दोनों ग्लास को पैन में डाल देते हैं और इसे हम 6 से 7 मिनट के लिए स्टीम करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और थोड़े से टाइट हो जाए। तो 6 से 7 मिनट फ्रेंड्स हो चुके हैं, देखिए जो बैटर था वो टाइट भी हो गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसे तुरंत नहीं छूना है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे अब बैटर जो था वो ठंडा भी हो गया है, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो किसी चाकू की सहायता से पहले किनारे का निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। तो ग्लास को पलट करके हम निकाल लेते हैं, देखिए इस तरीके से। अभी ये थोड़ा सा गर्म ही है, अब हम इसे पतले पतले पीसों में काट लेंगे। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप काटेंगे तो ये अच्छे से कट जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें जल्दी था फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा गर्म पे ही मैं इसे काट रही हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसे अच्छे से ठंडा करके ही काटिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी हम इसकी टिक्कियां बना करके कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसों में। यहाँ पे सारे जो है वो पीस कट हो गए हैं। तो अब हम इन्हें फ्रेंड्स हल्का से सैलो फ्राई कर लेते हैं ताकि इसमें क्रंचीनेस आए
तो एक चम्मच हमने यहाँ पे पैन में तेल डाला है और ऊपर से आधा चम्मच राई, और इसके बाद जो हमने टिक्किया बनाई थी वो पैन में डाल करके फ्राई करेंगे। इससे जो है स्वाद भी बढ़ जाता है और ऊपर से क्रंचीनेस भी हो जाता है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो मीडियम फ्लेम पर इसे हम सेलो फ्राई करेंगे और उलटते पुलटते हुए दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई भी कर लेंगे। तो बहुत ही कम तेल का टेस्टी नाश्ता होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। इसमें आयरन भी होता है और कैल्शियम भी होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हेल्दी भी है। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिएगा, सभी को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। अब चलते हैं सेम बैटर से तीसरा नाश्ता बनाने। हम बनाते हैं तो इसे हम फ्रेंड्स तवे पे बनाएंगे बहुत ही कम तेल में। यहाँ पे पहले एक चम्मच मैं तवे पे तेल लगा ले रही हूँ। आप इसे घी या किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हमने जो बैटर लिया था उसे तवे पे डालेंगे और हल्का सा प्रेस करते हुए इसे चपटा करेंगे। तो हाथों में हल्का से पानी लगा करके हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो बहुत मोटा नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा इसे मीडियम में ही रखेंगे जिससे ये अच्छे से अंदर तक सीख जाए। इसके बाद हम इसे किसी प्लेट की सहायता से ढक देंगे और एकदम लो फ्लेम पर धीमे धीमे आंच पे इसे सिकने देंगे ताकि ये क्रंची भी हो और अंदर तक अच्छे से जो हमारा नाश्ता है वो पके। तो 2 से 3 मिनट बाद हम प्लेट ढक्कन को हटाएंगे तो आप देख सकते हैं जो ऊपर का लेयर था वो सूख गया है। हल्का सा ऑयल और लगा देंगे और इसके बाद हम इसे दूसरी साइड पलट कर सेकेंगे। बहुत ही कम तेल का टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। इसमें काले चने हैं, पालक है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो बस उलटते पुलटते हुए इसे अच्छे से धीमे आंच पे सेकना है। तो देखिए कितना अच्छा सा बहुत क्रंची सा हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो इसे हाई फ्लेम पे फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत पकाइएगा, जितना धीमा आंच पे ये सीखेगा हमारा नाश्ता उतना ही बढ़िया सा बनेगा। तो ऐसे ही हम बाकी के सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे कच्चे चने और पालक का हेल्दी नाश्ता, जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है और बनाना भी काफी आसान, बहुत ही कम तेल में बनके तैयार हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये चने और पालक की रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी वीडियो के साथ।